हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। हम लोग यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि हम लोगों ने तीन टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि इवोल्यूशन, जेनरेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये तीनों टॉपिक को काफ़ी डिटेल में किया है, आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके थे प्रीवियस ईयर, या फिर जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब मैंने करवा रखा है। तो आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। इसको भी हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस तक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं डेली 25 क्वेश्चन करवाती हूँ, जिसमें कि आज से हमारा 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन फंडामेंटल से चलेंगे और 25 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग अल्टरनेट चलेंगे जो इवनिंग में आएंगे। तो मॉर्निंग में हमारा फंडामेंटल हो जाएगा और इवनिंग में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी होता क्या है? जैसे कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हमारा पेन ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, सीडी हो गया जिसमें कि डीवीडी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, एसएसडी हो गया, एसएसडी हो गया। तो इन सब के क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल्स में, बेसिक से लेकर एडवांस तक विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की इन द सेंस कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी लगा रहता है तो वो किस तरह से रहता है। जैसे हमारे टॉप पे जो होता है वो रजिस्टर होता है, उसके बाद हमारा होता है कैश मेमोरी, उसके बाद होता है मेन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क और उसके बाद मैग्नेटिक टेप। तो ये तो मेमोरी हायरार्की हो गया कि सबसे टॉप पे कौन सा रहता है। तो जैसे कि सीपीयू में हमारा रजिस्टर होता है और उसके बाद कौन से होता है वो हायरार्की एक दिया हुआ है। और इधर मैंने लिया है मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी है। मेमोरी में बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, एक रैम हो गया और रोम हो गया। रैम का फुल फॉर्म्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और इसमें क्या होता है, रैम भी टू टाइप्स के होते हैं, डी रैम और एस रैम। तो डी रैम हो जाता है हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम हो जाता है हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रोम के थ्री टाइप्स हैं, पी रोम, ई रोम और ईईपी रोम। तो पी रोम हो जाते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम हो जाते हैं इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी और ई रोम हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे हो गए रोम के टाइप्स। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। तो मैग्नेटिक मेमोरी फ्लॉपी डिस्क को कहते हैं और ऑप्टिकल मेमोरी जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब हमारे कहलाते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का एक चार्ट था, इसको याद रखिएगा कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन होते हैं, फिर उसके कितने टाइप्स और क्या क्या है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फॉलोइंग लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द, इसमें से कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमारा बिट होता है, ये मेमोरी मेजरमेंट यूनिट से क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा होता है बाइट, उसके बाद केबी होता है, उसके बाद एमबी होता है, उसके बाद जीबी होता है और उसके बाद हमारा टीबी होता है। तो इसमें से कौन सा लार्जेस्ट है हमारा, टीबी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, टेराबाइट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज, यहाँ पे पूछ रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में क्या है। तो स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो फास्टर होता है और एक्सपेंसिव होता है। तो फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मेमोरी के टू टाइप्स कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे चार्ट में बताया था आपसे, देखिए टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। तो ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, सॉरी इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। अगर मेमोरी पूछता है तो हम लोग प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी कौन से टाइप है, रैम है और रोम है। तो टू टाइप, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, नॉन ऑफ द एबव। तो अगर हमारा जैसे कि मेन मेमोरी पूछ रहा है तो यहाँ पे रोम एंड रैम होगा, अगर सिर्फ मेमोरी पूछता तो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग टॉप रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड, जो मेमोरी से हम लोग रिट्रीव करते हैं डेटा को उसको क्या कहते हैं, रीड आउट कहते हैं, रीड फ्रॉम कहते हैं, रीड कहते हैं, ऑल ऑफ दिस कहते हैं। तो इसमें से ऑल ऑफ दिस कहते हैं, रीड आउट भी कहते हैं, रीड फ्रॉम भी कहते हैं और रीड भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम इज यूज एज शॉर्ट मेमोरी एज इट इज, रैम को शॉर्ट मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है, स्मॉल कैपेसिटी है, प्रोग्रामेबल है, वोलाटाइल है। तो शॉर्ट मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वोलाटाइल की वजह से, वोलाटाइल क्या होता है, जैसे कि हमारा सिस्टम, हम अपने सिस्टम पे कुछ भी काम कर रहे हैं और अचानक से क्या होता है कि पावर ऑफ हो जाता है या फिर किसी वजह से हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है और उस डेटा को हम लोग अभी तक सेव नहीं किए थे, मतलब सेव करने के बाद क्या होता है कि हमारा डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, बट अभी तक हम लोग सेव नहीं किए और अचानक से हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, तो आप जब दोबारा स्टार्ट कीजिएगा तो देखिएगा कि वो डेटा हमारा डिलीट हो चुका है। तो वही होता है वोलाटाइल, अगर अचानक से हमारा सिस्टम किसी वजह से बंद हो गया है और वो डेटा क्या हो जाता है, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग वोलाटाइल। और अगर हम लोग सेव कर लिए तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, तो वो डेटा हमारा वोलाटाइल नहीं होता है क्योंकि वो सेव रहता है, अगर आपका सिस्टम बंद भी हो गया तो वो डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जो हमारा वोलाटाइल होता है वो होता है हमारा रैम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वोलाटाइल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर मेमोरी यूज फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड, जो टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम को, उसको क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, रैम कहते हैं, ई रोम कहते हैं, ई पी रोम कहते हैं। तो जो हमारा टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करता है उसको कहते हैं हम लोग रैम, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ इट्स मैनुफेक्चरिंग, जो हमारा मेमोरी है वो मैनुफेक्चर के टाइम में ही कौन सा मेमोरी बनाया जाता है, रोम को, रैम को, पी रोम को, ई पी रोम को। तो जो हमारा मैन्युफैक्चर के टाइम बनता है उसको कहते हैं हम लोग रोम, रीड ओनली मेमोरी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इसमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, ए एल यू है, सी पी यू है, फ्लॉपी डिस्क है, नॉन ऑफ द एबव है। तो ए एल यू तो कोई मेमोरी है नहीं और सी पी यू भी कोई मेमोरी है नहीं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क डिस्किट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ वीडियो डिस्क इज, वीडियो डिस्क का मोस्ट एडवांटेज कौन सा है, पोटेंशियल कैपेसिटी है, कॉम्पैक्टनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। तो जो वीडियो डिस्क के मोस्ट एडवांटेज होते हैं वो क्या है, पोटेंशियल कैपेसिटी है। ए, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क विच आर मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आर ऑल्सो कॉल्ड, वो फ्लॉपी डिस्क को क्या कहते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं, हाई डेंसिटी डिस्क कहते हैं, डिस्किट कहते हैं और टेम्पलेट्स कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्किट्स कहते हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल मीडिया को क्या कहते हैं, डिजिटल पेपर, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, वाउंड डिस्क, सीडी डिस्क, तो उसको क्या कहते हैं, डिजिटल पेपर कहते हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम, यहाँ पे पूछा कि कौन सा डिवाइस है जो डेटा एंड प्रोग्राम के बीच में अंडरस्टैंड करता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। डेटा और प्रोग्राम के बीच में कौन डिफरेंस समझता है, माइक्रो प्रोसेसर, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट है हमारा कैश मेमोरी आर बिगर देन रैम, कैश मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, रोम आर फास्टर देन रैम, इन इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटेन बाय यूजर। तो
इन्फॉर्मेशन इन रॉम कैन बी रिटन बाय यूजर, ये गलत है क्योंकि जो हमारा रॉम होता है, इसके पहले वाले हम लोग क्वेश्चन किए थे, वो मैन्युफैक्चर होता है, जब हमारा सिस्टम बन रहा होता है तभी इसमें रिटर्न किया जाता है डेटा को, तो हम लोग नहीं इसमें रिटर्न कर सकते हैं कुछ भी। इसका फुल फॉर्म सी होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये तो गलत हो गया। रॉम आर फास्टर देन रैम, रैम से रोम फास्ट होता है, नहीं ये भी गलत है, रोम से फास्टर नहीं होता है, रैम फास्ट होता है। उसके बाद है कैश मेमोरी और स्मॉलर देन रैम, तो कैश मेमोरी जो होता है वो स्मॉलर होता है रैम से, तो ये सही है, तो बी इज द राइट आंसर। और कैश मेमोरी इज बिगर देन रैम, ये भी गलत हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, इसमें से कौन सा नॉन वोलाटाइल, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग किए थे तो उसमें था कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है, यहाँ पे है कि नॉन वोलाटाइल कौन सा है, तो रैम है, रोम है, कैश है, रोम एंड कैश है। तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो गया और डेटा डिलीट हो गया तो वो हो गया वोलाटाइल, और अगर डिलीट नहीं हुआ तो हो जाता है नॉन वोलाटाइल। तो रैम का तो डेटा डिलीट हो जाता है तो ये तो नॉन वोलाटाइल है, कैश का भी हो जाएगा, और रोम एंड कैश है तो ये तो गलत हो गई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम, रोम का डेटा हमारा डिलीट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ, मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है, इनपुट डिवाइस का है, कंट्रोल यूनिट का है, आउटपुट डिवाइस का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है। तो जो हमारा मेमोरी यूनिट होता है वो पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जैसे कि जो हम लोग हमारा स्ट्रक्चर होता है, एक होता है हमारा यहाँ पे इनपुट, फिर यहाँ पे हमारा होता है कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे होता है ALU और यहाँ पे होता है मेमोरी, और फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है आउटपुट। तो मेमोरी किसका पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें से कौन सा है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD-ROM, जिप डिस्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के पास कैपेसिटी होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ रैम, इसमें से कौन सा रैम के नेम नहीं है, मतलब कि रैम के टाइप, जैसे कि इसके पहले वाले जो हम लोग डायग्राम देखे थे स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में, तो वहाँ पे रैम के टू टाइप्स थे, एस रैम थे और डी रैम थे। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो एस रैम तो है, डी रैम है, आर डी रैम जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEP ROM stands for, EEP ROM का फुल फॉर्म्स क्या होता है, इफेक्टिव इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इंटिटीज इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ द अबव। तो EEP ROM का फुल फॉर्म्स होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो 1 बिट स्टोर करता है, और जब इसके कलेक्शन को बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो काउंटर है, एडर है, रजिस्टर है, नॉन ऑफ द एबव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रजिस्टर। जब हम लोग एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप को मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा रजिस्टर, मतलब अगर कहे क्वेश्चन रजिस्टर कैसे बनता है, तो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप कह सकते हैं, तो हमारा बनता है रजिस्टर, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर इन विच कंप्यूटर मेमोरी, बूट सेक्टर फाइल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बूट सेक्टर फाइल जो होता है वो कौन से मेमोरी में स्टोर होता है, तो बूट सेक्टर होता क्या है, तो बूट सेक्टर वैसे को कहते हैं जैसे हमारा जो बूटिंग होता है सिस्टम को हम लोग जो रीस्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा बूटिंग हो रहा होता है तो उस सेक्टर में जो कोड लिखे हुए रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग बूट सेक्टर फाइल। तो वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, रैम में होता है, रोम में होता है, कैश में होता है, रजिस्टर में होता है, तो बूट सेक्टर फाइल जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे रोम में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो मेन मेमोरी के लिए करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट में इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर, दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि जब डेटा हमारा पावर ऑफ हो जाता है तो डिलीट हो जाता है मेन मेमोरी में क्योंकि वो वोलाटाइल होता है, तो ये तो सही है। दूसरा है मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेमी कंडक्टर, ये भी सही है, सेमी कंडक्टर से फास्ट होता है और रजिस्टर से स्लो होता है, और तीसरा है दे आर मेड अप सेमी कंडक्टर, तो ये भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड, यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है कि रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है एंड टेम्परेरी होता है, नॉन वोलाटाइल होता है टेम्परेरी होता है, वोलाटाइल परमानेंट होता है, नॉन वोलाटाइल परमानेंट होता है। तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है पहली बात, और क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, तभी तो वो वोलाटाइल होता है क्योंकि वो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। जो अपन मेमोरी हायरार्की पढ़े थे स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे पूछ रहा है कि लोएस्ट में कौन है, सबसे नीचे कौन है। तो कैश है, रैम है, सेकेंडरी मेमोरी है, सीपीयू रजिस्टर है। तो सीपीयू रजिस्टर तो टॉप पे होता है, उसके बाद हमारा कैश होता है, उसके बाद हमारा रैम होता है, उसके बाद हमारा कहीं जाकर सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सबसे लोएस्ट कौन होता है, सेकेंडरी मेमोरी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा होता है, कैश होता है, रजिस्टर इन सीपीयू, मेन मेमोरी, डिस्क कैश। तो यहाँ पे जो सबसे फास्ट होता है वो हमारा होता है रजिस्टर, जो टॉप पे रहेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि ये रजिस्टर जो होता है हमारा वो सीपीयू में ही होता है, तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। यहाँ पे पूछ रहा है कि बफर के जैसा कौन एक्ट करता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में। तो बफर क्या होता है, टेम्प्रेरी डेटा को होल्ड करता है, उसको कहते हैं बफर। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, रैम है, रोम है, कैश है, स्टोरेज है। तो यहाँ पे राइट आंसर कैश हो जाएगा। कैश होता है जो बफर मेमोरी के जैसा एक्ट करता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में। तो राइट आंसर इज सी। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन थे मेमोरी मैनेजमेंट से। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट्स है तो भी बता सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं बिहार स्टेट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं।